हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा चैनल नेम इज सेलर सुकरा। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। भाई लोग ने कमेंट किया था, रणधीर गुप्ता सुनो, आपने कमेंट किया था ओसीएन स्पार्कल लिमिटेड ओपन सीडीसी वालों को लेती है कि या नहीं, और एसटीसीडब्ल्यू वाले को लेती है कि नहीं। वही बात हुई। देखो भाई, ओसियन स्पार्कल लिमिटेड ओपन सीडीसी वालों को नहीं लेती, चाहे एजेंट के थ्रू आओ चाहे डायरेक्ट जाओ, नहीं लेगी। कारण है कि ये लेती है जीपी रेटिंग वालों को लेती है, डीएनएस को लेती है, डीएनएस वालों को डेकेडेट को लेती है, डीएमए को लेती है, इतने लोगों को लेती है, अदर लोगों को नहीं लेती है। भाई अदर कंपनियाँ देखो, जितनी इंडिया में टॉप कंपनियाँ हैं ओपन सीटीसी वालों को कभी नहीं लेती, फ्रेशर को ले ही नहीं सकती ओपन सीटीसी वालों को। जब भाई लोग जीपी रेटिंग वालों को नहीं लेती हैं, डीएनएस को नहीं लेती, कितना लड़का के ये बैठा हुआ है, ओपन सीटीसी वालों को नहीं लेंगी, वो ऑलरेडी नहीं लेते हैं। ठीक ब्रो, मेरा कहने का मतलब जो लोग ओपन सीटीसी वाले हैं, जो भाई ज़्यादातर जो छोटी कंपनी है उसमें 2 से 3 सेल करो आराम से, वॉच कीपिंग निकालो। वॉच कीपिंग निकालने के बाद बड़ी कंपनी में ट्राई करो, शायद किस्मत साथ दे जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और मर्चेंट ने भी हेल्प, भाई तुम तो शेयर कर दो, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो भाई, शेयर कर दो मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।